हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। ये वीडियो केवल उन व्यक्तियों के लिए है या उन स्टूडेंट के लिए हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री के तहत होने वाले जो टेस्ट होते हैं उसकी लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तो हम पूरी लिस्ट देखेंगे, तो उसमें हम कुछ इसको ग्रुप में बांट रहे हैं। जैसे आप पहला ग्रुप देख रहे हैं डायबिटिक प्रोफाइल, तो डायबिटिक प्रोफाइल में कौन कौन से टेस्ट आते हैं उसकी लिस्ट देखेंगे। और जो टेस्ट होगा वो सिंगल टेस्ट भी करवाया जा सकता है या फिर पूरे ग्रुप में भी करवाया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं कि हमारा जो पहला टेस्ट है कि रैंडम ब्लड शुगर या RBS कहा जाता है, इसी प्रकार से फास्टिंग ब्लड शुगर या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरे प्रकार की शुगर टेस्ट होती है जिसको PP ब्लड शुगर कहा जाता है, यानी कि पोस्ट पेंडाइल ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। एक और टेस्ट होता है डायबिटिक प्रोफाइल में, वो है HbA1c, जिसे ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसका डिटेल में वीडियो बना हुआ है तो आप देख सकते हैं। तो इन जो भी मैं आपको प्रोफाइल बता रहा हूँ, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी डिटेल ज़रूर देख लीजिएगा। इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना हुआ है हर टेस्ट का। OGTT यानी कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट प्रोफाइल है वो है रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उसमें हमारा पहला टेस्ट है ब्लड यूरिया, उसके बाद है BUN यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। और रीनल फंक्शन टेस्ट में एक और टेस्ट किया जाता है सीरम क्रिएटिनिन। इसके बाद हमारा जो टेस्ट आता है वो है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में काफ़ी सारे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन को कई भागों में बांटते हैं, जैसे टोटल बिलिरुबिन टेस्ट, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद SGOT या AST भी कहा जाता है। और दूसरा जो एंजाइम है वो है SGPT, जिसे ALT कहा जाता है। ये लीवर फंक्शन टेस्ट में ही आ जाता है। उसके बाद इसमें और जो टेस्ट ऐड करते हैं वो है टोटल प्रोटीन, टोटल प्रोटीन के बाद है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। ये अलग अलग टेस्ट लिखे जा सकते हैं या फिर ग्रुप में भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टेस्ट है वो है AG रेशियो, ये हमारे बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में आता है। उसके बाद हम देखते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में ये टेस्ट है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपिड, और लो डेंसिटी लिपिड यानी LDL, और वेरी लो डेंसिटी लिपिड या VLDL, ये आते हैं लिपिड प्रोफाइल में। अब चलते हैं कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट में। कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट में हमारा जो पहला टेस्ट है वो है CKMB, उसके बाद है CKNAC और TROP-I यानी कि ट्रोपोनिन टी और TROP-I, ये दो प्रकार के जो टेस्ट हैं वो कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट में आते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी हमारे सीरम से किए जाने वाले टेस्ट है जो कि बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किए जाते हैं। उसमें आप देखते हैं सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और कई बार आयनिक कैल्शियम भी लिखा जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइट में कंबाइंड किया जाता है। उसके अलावा हम जो देखते हैं मिनरल टेस्ट, उसमें हमारा कई सारे टेस्ट आते हैं, जैसे कॉपर है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, सल्फर, आयोडीन, फ्लोराइड, क्रोमियम, ये सारे टेस्ट करवाए जा सकते हैं, जैसे लिथियम, ठीक है। तो ये सारा हमारा टेस्ट बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ये और भी टेस्ट है, जैसे हार्मोन टेस्ट है। तो हार्मोन टेस्ट में काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, जैसे अगर किसी का थायराइड टेस्ट लिखा जाता है तो उसमें T3, T4 और TSH, ये तीन ग्रुप है हार्मोन का जो थायराइड टेस्ट में किया जाता है। सिंगल टेस्ट भी करवाया जा सकता है, जैसे केवल T3 लिखा जा सकता है, T4 लिखा जा सकता है या फिर केवल TSH लिखा जा सकता है। थायराइड के साथ फ्री T3 और फ्री T4 भी लिखा जा सकता है। उसके अलावा और जो हार्मोन टेस्ट है वो है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, या जो दूसरा और टेस्ट है वो है E2, जिसे एस्ट्रोडियोल भी कहा जाता है, और प्रोजेस्ट्रॉन और टेस्टोस्टेरोन भी टेस्ट काफ़ी मात्रा में लिखे जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में आते हैं। उसके बाद है विटामिन टेस्ट। विटामिन आप जानते हैं काफ़ी सारे होते हैं, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन डी और कैरेटीन और फॉलिक एसिड, ये सारे टेस्ट विटामिन के अंतर्गत किए जाते हैं। उसी प्रकार से ट्यूमर मार्कर होते हैं जो कैंसर का पता लगाते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे ट्यूमर मार्कर है जो कि कराए जा सकते हैं। जैसे हमारा जो
पहला टेस्ट है वो है PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से अल्फा फीटा प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो हेपेटोसेल्युलर सेल और जो जर्म सेल में अगर ट्यूमर होता है तो उसके लिए इंडिकेशन करता है अल्फा फीटा प्रोटीन। इसी प्रकार से और भी कई CA टेस्ट है, कैंसर मार्कर है, जैसे CA 15.3, CA 19.9, CA 15 और CA 72.4, CA 125, ये CA 242, ये काफ़ी सारे कैंसर है जो कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा या गेस्टेशनल या पेनक्रेटिक जो मार्कर होते हैं, कैंसर होते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए करवाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा भी और कई टेस्ट है जो बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आप देखते हैं यूरिक एसिड टेस्ट है, एमाइलेज है, लाइपेज है, फॉस्फेट है, CRP क्वांटिटेटिव करवाया जा सकता है, RA यानी रूमेटिक अर्थराइटिस जो फैक्टर होता है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। हालांकि ये सीरोलॉजी में आते हैं, लेकिन अगर क्वांटिटेटिव करवाए जाते हैं तो ये हम बायोकेमिस्ट्री में ऐड कर सकते हैं। उसी प्रकार से एसिड फॉस्फेटेज है और एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जो कि हमने लीवर फंक्शन टेस्ट में देखा था, और बाइकार्बोनेट लैक्टिज डिहाइड्रोजनेज यानी कि LDH टेस्ट भी बायोकेमिस्ट्री की लिस्ट में आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक और फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।